कॉर्नफ्लेक एक नया एंट्रेंट है हमारे इंडियन डाइट में। पहले भुट्टा खाया जाता था, भुट्टे को पॉपकॉर्न बना के खाते थे। कॉर्नफ्लेक कई पिछले 30-31 साल से धीरे धीरे करके हमारे खाने में घुसता जा रहा है। तो मैंने सोचा आज कॉर्नफ्लेक के बारे में बता दूं। कॉर्नफ्लेक में याद रखिएगा, 2-3 तरह का कॉर्नफ्लेक मिलता है। जो सबसे सिंपल कॉर्नफ्लेक्स होता है उसमें कुछ भी एडिड ज़्यादा नहीं होता है, बस कॉर्न को ड्राई करके, बॉयल करके, ड्राई करके उसको सुखा के उसको दिया जाता है। पर आजकल बहुत सारे फ्लेवर्ड कॉर्नफ्लेक आने लग गई है जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और मल्टीग्रेन और ये सब ऐड किया जाता है। पर मैं सिंपल कॉर्नफ्लेक्स के बारे में पहले बताना चाहता हूँ। कॉर्नफ्लेक में कैलोरीज काफ़ी होती है और ये आपको मालूम है भुट्टा से बनता है, कैलोरीज बहुत होती है। 360 कैलोरी के आसपास होता है 100 ग्राम कॉर्नफ्लेक में। तो इट्स अ वेरी हाई कैलोरी फूड, तो वजन बढ़ाने का काम करेगा। वजन कम करने वालों जो कम करना चाहते हैं उनको कॉर्नफ्लेक हम रिकमेंड नहीं करते हैं। फैट इसमें खास होता नहीं है, 0.4 ग्राम है फैट। कार्बोहाइड्रेट काफ़ी होती है, 80-85 से ऊपर होती है। और बहुत सारे कॉर्नफ्लेक वालों ने उसमें और भी चीनी डाल के रखते हैं कि मिठास पैदा करने के लिए, हनी डाल के रखते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज बढ़ा ही सकता है। कॉर्नफ्लेक में फ़ायदे अच्छी होती हैं क्योंकि 3.5 ग्राम इसमें फाइबर होता है, जो कि एक तरफ से देखा जाए तो हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ सबके लिए ठीक है। ग्लूटेन फ्री होता है, तो जिनको ग्लूटेन का प्रॉब्लम वो लोग भी खा सकते हैं। इसमें फोलेट होता है तो खून बनने में फ़ायदा करता है। और इसमें थायामीन, नियासिन, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12, ये सारे विटामिन होने के वजह से ये एक न्यूट्रिशियस माना जाता है एक तरफ से। तो जिनका ओवरवेट नहीं है वो लोग कॉर्नफ्लेक खाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और लो फैट होता है इसलिए हार्ट हेल्दी मान सकते हैं हम लोग। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ होती है, कैरोटीनॉइड करके केमिकल होता है जिसका नाम है बीटा हाइपोजैंथिन, ये हमारे लंग्स को मदद करता है। तो कॉर्नफ्लेक लेने में कोई नुकसान नहीं है, खाली याद रखिए थोड़े क्वांटिटी कम लीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी वेट आपकी ज़्यादा है या आप वेट बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो कॉर्नफ्लेक कम से कम लीजिए। बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं भाई एक काम करो, कॉर्नफ्लेक लोगे इसको दूध में लेना, पर दूध भी स्किम्ड मिल्क का हो, और उसके बहुत सारा फ्रूट्स काट के डाल दो, उसमें एप्पल काट के डाल दो, उसमें अनार डाल दो, बहुत सारे फ्रूट्स उसमें डाल लो, तो कॉर्नफ्लेक का कैलोरीज भी कम हो जाती है और आपको खाने में भी आराम रहता है, टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो कॉर्नफ्लेक खाना भी हो तो आप लो फैट मिल्क यूज़ करिएगा, वजन बढ़ाना हो तो आप कॉर्नफ्लेक खा सकते हैं, वजन कम करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉर्नफ्लेक के ऊपर डिपेंड नहीं करिएगा। कॉर्नफ्लेक को लेने का तरीका एक ही, ज़्यादातर लोग दूध में लेते हैं। आजकल कॉर्नफ्लेक को सूखा भी खाया जा सकता है, इसके पुडिंग भी बनाया जा सकता है। तो कॉर्नफ्लेक आजकल हर होटल में मिलता है, जब भी कोई ब्रेकफास्ट दिया जाता है उसमें मिलता है। तो आप कॉर्नफ्लेक लीजिए और कॉर्नफ्लेक के बारे में लोगों को बताइए। इसमें फैट नहीं होता, हार्ट के लिए नुकसान नहीं करता, पर वजन के लिए प्रॉब्लम है। तो बट अदरवाइज़ थोड़ा बहुत कॉर्नफ्लेक लिया जा सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोगों तक शेयर कीजिए। और मैं डॉक्टर बिमल छाजड़ हूँ, एज़ अ हॉबी मैं आपको हेल्थ के, डाइट के बारे में एजुकेट करता हूँ। हर दिन नई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में लाता हूँ। वैसे अदरवाइज़ हम लोग हार्ट की बीमारी का इलाज करते हैं और हमारा एक कुकिंग प्रोसेस है, ज़ीरो ऑयल कुकिंग। उस चैनल को आप ज़रूर देखिए, ज़ीरो ऑयल कुकिंग चैनल। उसमें हमने हर दिन नया नया वीडियोस डाल रहे हैं हम लोग, और उसको देखिए और खाना बनाइए बिना तेल का, वो हेल्दी खाना है। थैंक यू सो मच।